गिफ्ट मैं आपको इतना बता दूं, बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है। अच्छा है, बहुत ज्यादा है, बड़ा है। वुमेन पिछली दफा लॉलीपॉप दिए थे, लोगों ने कैंडीज दी थी, इस तरह का तो कुछ नहीं है। आपके सच्चे प्यार की कहानी है कि आपका सच्चा प्यार बिछड़ने के बाद सक्सेसफुल है? प्यार अभी भी है। वो तो होगा ना, कनाडा में बिजनेस भी तो है ना। नहीं, लेकिन ये है कि बात नहीं होती और कोई रابطہ नहीं है, कोई मुलाकात तो दूर दूर तक नहीं है, बात और है कि उसके बाद प्यार नहीं। वो नहीं होता, ये फैक्ट है। और इवन दैट उसके बाद मैं इतनी ढरकी हो गई, इतनी कि बस ढरकी हुई है। हाँ, अच्छा ये आज लव ढरकी को एक्सप्लेन करते हैं, बस जल्दी जल्दी। मतलब ये कि अब मुझे मेरे ना लाइफ में प्यार की कोई अहमियत ही नहीं है। अब कोई आगे मेरे सामने प्लेट में रख के अपना दिल भी निकाल के रख देगा, मैं कहूंगी ये बड़ा दे रहा था। आप मुझे ये बताएं, ढरक क्या होता है? ढरक ये है कि भाई सबको यस कराओ, जो आए कितना टाइम है लोगों के पास? अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपके पास भी बहुत टाइम है। आपका मतलब है कि सबको यस कराओ? तो और क्या भाई, देखिए मना नहीं करना किसी को भी, इनकार नहीं है हमारी लिस्ट में, ठीक है ना। जो अच्छे है, अच्छे दिल से मिलता है, बस यस कराओ, ठीक है। मतलब आपके लिए ठरक की डेफिनेशन ये है कि सबको यस कराओ? हाँ, सबको यस कराओ। जब एक कौन सा शख्स है जो 15 दिन बगैर सोए रह सकता? ट्रक ड्राइवर। वो क्यों? क्योंकि वो नस्वार वगैरह पीते हैं ना, वो चाय बहुत तेज पीते हैं और वो सिगरेट पीते हैं बहुत ज्यादा, तो ऐसी चीजें पी के वो ना बगैर 15 दिन भी, यानी कि 20 दिन भी वो रह सकते हैं। मुझे बताएं, लड़के ज्यादा ठरकी होते हैं लड़कियां? लड़कियां ज्यादा क्यों? आपको कैसे, जैसे आप लड़कियां आप बेहतर बता सकती हैं कैसे? यार क्या मतलब कैसे? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इमेजिन करें, सिद्रा खड़ी है और सिद्रा के साथ उनकी 2-3 दोस्त और खड़ी हैं यूनिवर्सिटी के बाद, जो है ना रिफ्रेशमेंट खा रही हैं। Okay. अब वहाँ से कैसे, मतलब कोई लड़के लड़के गुजरे या कोई प्यारा लड़का गुजरा तो लड़कियों में क्या बातें होती हैं आमतौर पर? ये क्या है? हुई ना, ये तो मतलब एक किस्म का मतलब गुजरता हुआ कोई ऑपोजिट जेंडर पसंद था। क्यों लड़की ठरकी होती है यार, क्यों नहीं ठरक बताए ना कैसे वो पूरा, मतलब क्या बोलती है जब ठरक दिखाती हैं? यार देखो एक्चुअली वो ओपनली नहीं बोलती हैं, ठीक हो गया, वो बड़ी मीसनी होती हैं। देखा, मीसनी लड़की ही बता सकती है कि लड़कियां मीसनी होती हैं। आ जाए, ये वो कौन सी जगह जहाँ पे जाते 10 लोग है आते 9 है? कौन सी जगह जाते 10 वॉशरूम? वॉशरूम में कौन से 10 लोग जाते हैं? 10 लोग जाते हैं, वो एक चला जाता वॉशरूम में, वो 9 वापस आ जाते हैं। वो 10 जाते क्यों, 9 जाते क्यों 10 में? भाई एयरपोर्ट भी तो हो सकता है, उसको बिठा के आते हैं। यार बात तो सही है, लेकिन ये पहली का जवाब नहीं है, पॉइंट आपका वैलिड है। छोड़ कर आते हैं, सी ऑफ करके आते हैं, फिर 9 लोग वापस आ जाते हैं। लेकिन ये जवाब नहीं है, जवाब इसका कुछ और है, थोड़ा और सोचें। अच्छा, 3 जगहों पे आग लगी है, मॉल में, स्कूल में, हॉस्पिटल में। सबसे पहले एम्बुलेंस कहाँ की आग बुझाएगी? आग लगी है, आग लगी हुई है, लगी क्यों है? भाई लग जाती है ना, अब एम्बुलेंस को जाना पड़ा, वो आग बुझाएगी, सबसे पहले कहाँ की बुझाएगी, हॉस्पिटल की, स्कूल की या कॉलेज की? जो उसको पहले नजदीक पड़ेगा उसकी। यार स्कूल की क्यों? क्यों इतने प्यारे से छोटे बच्चे होते हैं, क्यूट क्यूट में जैसे, तो उनको यार ये वर्डिंग लड़कियां भी यूज करती हैं बच्चा, मैं समझ लड़के ही करते हैं कि बच्चे मैं आपको $5,000 अभी अभी पे करूंगा अगर आपने मुझे जवाब दे दिया तो। ओके, मुझे $5,000 आपके, अगर आपने 2 जवाब भी दुरुस्त दे दिए तो। असली होंगे ऑब्वियसली, पूछे। हाँ अच्छा जी, ठीक है। सवाल ये है, कौन सा ऐसा बंदा है जो 15 दिन भी नहीं सोता और जिंदा है? 15 दिन भी नहीं सोता और जिंदा। टिक टिक 1, टिक टिक 2, सोचो 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 नाजरीन, काश आप लोग मेरी लाइफ हेल्प कर रहे होते। ओह माय गॉड, ₹50 काट लेना एक्टिंग के, ओवर एक्टिंग के। बंदा ही है ना? हाँ हाँ, इंसान है भाई। ठीक है, सवाल ये है, वो कौन सा जानवर है जिसकी आवाज नहीं होती? वो कौन सा जानवर है जिसकी आवाज, यार सभी जानवरों की आवाज होती है, गुंगा बहरा होगा कोई जिसकी आवाज नहीं होगी। अच्छा जानवर ये आप तो नहीं? नहीं नहीं, अल्लाह मुझे जानवर कह दिया। सोशल हम सब जानवरों में ही आते हैं। आज अगेन हम इस वायरल गर्ल से एक
पहेली और पूछेंगे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आप कमल है ना? हाँ जी। वो आपकी जो वीडियो वायरल, ओह लाइव फैन, वाह वाह। आपने कहाँ देखा इनकी? सर वो आपके सोशल मीडिया एक अकाउंट पे मैंने मैम को देखा। जबरदस्त जबरदस्त। पर सेल्फी नहीं लेंगे आप? मैं लूंगा जरूर, आप प्रोग्राम कर लें इससे पहले। हाँ जरूर जरूर, थैंक यू। प्लीज जरा लाजमी। एक तो कमल आपके जो फैंस अब बन गए ना, ये बहुत तंग करते हैं। आप क्या बने? अरे नहीं नहीं। अच्छा अब आज की जो पहेली है ना कमल, वो हमारी ये है कि वो कौन सा वालेकुम सलाम। ये कमल है ना? जी 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 जी। कमल अमानत। कमल अमानत मैम, वो आपसे एक पिक्चर लेनी है। जी श्योर। ये इसके बाद? इसके बाद भाई जान, ये जरा वीडियो बन रही है इसके बाद। सर अभी नहीं हो सकता? नहीं अभी नहीं हो सकता। अच्छा चलिए, फैन है, चले आप कर लें, क्लिक कर लें पिक्चर। मोबाइल आपको मेरे पास? अच्छा मोबाइल भी मैंने देना है आपको? जी सर।